राजधानी भोपाल के नजदीक जिले सीहोर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक डंपर, 2 कार सहित 60 लाख रुपए का सामान भी बरामद कर लिया है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पुलिस टीम के सराहनीय कार्य की तारीफ की है। देखिए रिपोर्ट। सीहोर पुलिस को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसे लेकर सीहोर SP कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस बड़े मामले में शातिर चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को एक डंपर, 2 कार, मोबाइल, वाईफाई कैमरा, डोंगल सहित करीब 60 लाख का सामान जब्त करने में कामयाबी मिली है। नादान क्षेत्र से एक डंपर चोरी हुआ था, जिसके लिए तत्काल टीम को सक्रिय किया गया था। थाना प्रभारी इच्छावर नीता देरवाल एवं उनकी टीम लगातार टेक्निकल एविडेंस एनालिसिस करते हुए करीब 600 किलोमीटर के ट्रैक पर फुटेज देखते हुए इन्होंने ट्रैक किया कि हरियाणा की तरफ गाड़ी का और गाड़ी को जो दूसरी गाड़ी स्कॉट कर रही थी उसका मूवमेंट हुआ, जिस पर से हरियाणा में नूह जिले अंतर्गत ये लोग गए, वहाँ पे इन्होंने गाड़ी को ट्रैक किया और जो आरोपी थे वो 5 आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, एक आरोपी अलवर राजस्थान के रहने वाला है और इनको यहाँ नादान के पास से एक हरियाणा पासिंग गाड़ी के साथ में अरेस्ट किया है। और इनमें से जो पहला आरोपी है जो जैकम मेव है, जो मूलतः नूह हरियाणा का रहने वाला है, ये मूलतः 1-2 वर्षों से यहाँ कन्नौद थाना अंतर्गत रह रहा था, जो कि लोकल क्षेत्र की रेकी करके जानकारी इस हरियाणा के गैंग को दे रहा था, जिससे कि ये घटनाएं यहाँ कारित कर रहे थे। जैद मेव, जैकम मेव, साहून, शाजिब और रईस मेव, ये सभी मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं और इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये राजस्थान के भी एक खैरथम जिले में एक रिसेंटली ATM कटिंग, जो 27 लाख रुपये की ATM कटिंग हुई थी, उसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिसके लिए राजस्थान पुलिस भी इनको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही है। अभी मूलतः 5 लोग जो इस घटना में सम्मिलित थे उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि ये 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर रह रहा था जैकम और इस पूरे गैंग को यहाँ से रिकी करके जानकारी दे रहा था और हमने ये गाड़ी इनसे जब्त करी, साथ में 2 और गाड़ियाँ जब्त करी हैं और कुछ डिवाइसेस भी जब्त करी हैं, वायरलेस कैमरा जब्त किए हैं, तो निश्चित रूप से और भी घटनाओं में इन्होंने घटनाएं कारित करी होंगी, जिसको लेकर कि अगल बगल क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पूछताछ चल रही है, अन्य आरोपी भी होंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीहोर जिला पुलिस के एक्टिव अंदाज के चलते एक और चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।